सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। एंड दोस्तों, फाइनली हमारे पास आ चुका है रियलमी का रियलमी नार्जो 70 टर्बो 5G स्मार्टफोन, जो कि कल इंडियन मार्केट में लॉन्च हो चुका है। वैसे इस स्मार्टफोन ने इंडियन मार्केट में काफ़ी बड़ा यहाँ पे तहलका मचा के रखा है, क्योंकि दोस्तों जस्ट अंडर 15,000 के कैटेगरी में सुपर स्टेबल 90 FPS की गेमिंग इसी DS में देखने को मिलती है, जो कि बाकी स्मार्टफोन ब्रांड को काफ़ी बड़ा यहाँ पे कंपटीशन दिया है। एंड ऐसे में काफ़ी सारे लोग यार कन्फ्यूज है कि इस DS में कैसी गेमिंग देखने को मिलती है। सो चलिए फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में करेंगे इसी रियलमी नार्जो 70 टर्बो डिवाइस की BGMI गेमिंग टेस्ट, कैसा गेम प्ले देखने को मिलता है, कितना FPS आपको कॉन्स्टेंटली देखने को मिलता है, डिवाइस कितना लैग करता है, सब कुछ आपको डिटेल में बताने वाला हूँ। तो चलिए, वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहने वाला है, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक आपको जरूर देखना है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, यह रियलमी का बेस्ट बजट पावरफुल गेमिंग डिवाइस रियलमी नार्जो 70 टर्बो 5G स्मार्टफोन। वैसे अगर आपको इस डिवाइस को बाय करना है तो अमेजोन की ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल में क्रेजी डील जस्ट 15,000 के कैटेगरी में बाय कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, गेमिंग टेस्ट करने से पहले जल्दी से इस डिवाइस के कुछ इंटरेस्टिंग स्पेसिफिकेशंस के बारे में बात करेंगे। जैसे कि इस डिवाइस में 6.67 इंचेस का फुल HD+ डिस्प्ले, जो कि eSport OLED पैनल के साथ आता है। बाकी 120Hz का रिफ्रेश रेट आता है, 1200 nits की पीक ब्राइटर डिस्प्ले है। बाकी स्पेसिफिकेशंस आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। एंड इसके बाद दोस्तों, इस डिवाइस के पावर के बारे में बात करेंगे तो MediaTek Dimensity 7300 एनर्जी चिपसेट मिलता है, जो कि 4 नैनोमीटर आर्किटेक्चर पर बेस्ड है। वैसे इसके एंटूटू बेंचमार्क स्कोर के बारे में बात करेंगे तो 7,40,000 के आसपास काफी तगड़ा स्कोर निकल के आता है। एंड दोस्तों, इस रियलमी नार्जो 70 टर्बो डिवाइस के कुछ स्पेशल गेमिंग फीचर्स के बारे में बात करेंगे तो इस डिवाइस में डेडिकेटेड रैम फॉर गेमिंग का भी फीचर मिलता है। वैसे इस फीचर को इनेबल करने के लिए सिंपल आपको जाना है सेटिंग में। सेटिंग में जाने के बाद जाना है एक्सेसिबिलिटी के सेटिंग में, एंड उसके बाद सबसे लास्ट में स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको यहाँ पे डेडिकेटेड रैम फॉर गेमिंग का फीचर मिलता है। इसको इनेबल करेंगे, एंड इसको इनेबल करने के बाद जो भी हमारा CPU है, GPU है, उसकी जो फ्रीक्वेंसी, उसको यहाँ पे ऑप्टिमाइजेशन मिलता है। सो अगर आपको कस्टमाइजेशन या फिर AI बेस अगर आपको यहाँ पे रैम को इनेबल करना है, सो AI बेस को भी इनेबल कर सकते हैं। एंड इसके बाद दोस्तों, इस डिवाइस में आपको डेडिकेटेड गेम टर्बो, मतलब कि डेडिकेटेड गेम स्पेस का मोड मिलता है। सो गेम स्पेस में जाएंगे, सो अगर आपको गेम को ऐड करना है तो गेम को ऐड कर सकते हैं। तो चलिए BGMI गेमिंग को करेंगे ओपन। एंड BGMI गेमिंग को ओपन करने के बाद इसमें साइड बार में कौन कौन से फीचर मिल जाते हैं, वन बाय वन सारे के सारे गेमिंग फीचर को जान लेते हैं। सो इस डिवाइस में मल्टीपल एप्स का यहाँ पे फ्लोटिंग विंडोज में कन्वर्ट करने का भी सपोर्ट मिलता है। वैसे परफॉर्मेंस के लिए 3 मोड मिलते हैं, जैसे कि लो पावर मोड है, बैलेंस मोड है, एंड तीसरा आपको GT मोड मिलता है। वैसे GT मोड बड़े फ्लैगशिप लेवल के फोन में ही देखने को मिलता है, बट हाँ, आपको रियलमी नार्जो 70 टर्बो डिवाइस में भी GT मोड आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। एंड इसके बाद दोस्तों, अगले फीचर के बारे में बात करेंगे। सो गेम खेलते वक्त अगर आपको यहाँ पे स्पॉटिफाई म्यूजिक चाहिए, सो स्पॉटिफाई म्यूजिक का भी यहाँ पे इनबिल्ट सपोर्ट मिलता है। सो अगर आपको गेम खेलते वक्त यहाँ पे कोई भी म्यूजिक वगैरह सुनना है तो स्पॉटिफाई से म्यूजिक सुन सकते हैं। उसके बाद दोस्तों, अगले टॉगल के बारे में बात करेंगे तो आपको यहाँ पे टॉप अप डिस्काउंट का टॉगल मिलता है। सो अगर आपको यहाँ पे कोई भी गेमिंग की एक्सेसरीज वगैरह परचेस करना है, सो गेमिंग के लिए अगर आपको यहाँ पे शॉपिंग वगैरह करना है, तो आपको यहाँ पे इनबिल्ट टॉप अप डिस्काउंट का भी फीचर मिलता है। एंड इसके बाद दोस्तों, अगले टॉगल के बारे में बात करेंगे, जो कि गेमिंग फोकस मोड। सो गेम खेलते वक्त अगर आपको यहाँ पे सिर्फ गेमिंग के ऊपर फोकस करना है, सो सारे के सारे डिस्टर्बेंस को यहाँ पे ऑफ कर सकते हैं। एंड इसके अलावा दोस्तों, अगर आपको नोटिफिकेशंस बार बार यहाँ पे डिस्टर्ब करते हैं तो यहाँ पे नोटिफिकेशंस को ब्लॉक कर सकते हैं, बुलेट नोटिफिकेशंस को ऑन कर सकते हैं। एंड दोस्तों, अगर आपको हैंग्सअप नोटिफिकेशंस को चाहिए तो उस नोटिफिकेशंस को भी कंट्रोल कर सकते हैं। एंड इसके बाद अगले टॉगल के बारे में बात करेंगे, जो कि कॉल ब्लॉकर का टॉगल है, मतलब कि कॉल ब्लॉकर का भी फीचर मिल जाता है। एंड इसके बाद दोस्तों, अगले टॉगल के बारे में बात करेंगे, जिसका नाम है गीक पावर ट्यूनिंग। सो गीक पावर ट्यूनिंग को ऑन करेंगे तो यहाँ पे जो भी CPU की परफॉर्मेंस है, GPU की जो स्पीड है, वो यहाँ पे ऑप्टिमाइज होती है। सो गीक पावर ट्यूनिंग को ऑन करेंगे, सो ऑन करने के बाद आपको थोड़ा सा CPU एंड GPU में बेटर ऑप्टिमाइजेशन देखने को मिलेगा। एंड इसके बाद दोस्तों, अगले फीचर के बारे में बात करेंगे तो डेडिकेटेड स्क्रीनशॉट कैप्चर करना है तो गेमिंग खेलते वक्त यहाँ पे स्क्रीनशॉट को भी कैप्चर कर सकते हैं। एंड इसके बाद आपको यहाँ पे डेडिकेटेड स्क्रीन रिकॉर्डिंग का भी फीचर मिल जाता है। वैसे जो स्क्रीन रिकॉर्डिंग है, जिसमें आपको डायनेमिक 60 FPS का भी सपोर्ट मिल जाता है। इसके बाद दोस्तों, अगले टॉगल के बारे में बात करेंगे, जो कि आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट फीचर मिल जाता है, जो कि नेटवर्क ऑप्टिमाइजेशन। जी हाँ दोस्तों, मोबाइल डेटा का नेटवर्क एंड जो भी वाईफाई का नेटवर्क है, सो दोनों का भी जो स्पीड है कंबाइन होकर काफ़ी बेटर सिग्नल स्ट्रेंथ मिल जाता है, मतलब कि स्पीड मिल जाता है। सो अगर आपको गेम खेलते वक्त यहाँ पे ज़्यादातर इंटरनेट का इशू आता है तो इस फीचर को ऑन करके गेम खेल सकते हैं। चलिए दोस्तों, अगले टॉगल फीचर के बारे में बात करेंगे, जिसका नाम है टच ऑप्टिमाइजेशन। एंड टच ऑप्टिमाइजेशन में आपको यहाँ पे मिस टच प्रिवेंशन का भी फीचर मिलता है,
जी हाँ दोस्तों, फुल स्क्रीन मोड में अगर आप यहाँ पे गेमिंग करते हैं तो आपको यहाँ पे नोटिफिकेशन ड्रावर है, स्प्लिट स्क्रीन है, इवन अगर आपके जो भी स्क्रीनशॉट गेस्चर्स है या फिर जो भी बॉटम गेस्चर्स है सबको ऑफ करके रखता है। एंड इसके बाद आपको जो भी टच सेंसिटिविटी एवन दोस्तों जो भी स्वाइप अप सेंसिटिविटी उसको भी इंक्रीज कर सकते हैं, तो उसका भी फीचर आपको मिलता है। एंड इसके बाद दोस्तों अगले टॉगल के बारे में बात करेंगे, मतलब कि फीचर्स के बारे में बात करेंगे। सो अगर आपको ओरिएंटेशन को लॉक करके रखना है तो ओरिएंटेशन को लॉक करके रख सकते हैं। इसके बाद क्विक स्टार्टअप मोड का भी फीचर मिल जाता है। इवन अगर आपको गेम फिल्टर चाहिए तो गेम फिल्टर्स का भी फीचर मिल जाता है। नेक्स्ट फीचर्स के बारे में बात करेंगे जो कि काफ़ी शानदार फीचर्स है, जिसका नाम है वॉइस चेंजर। जी हाँ दोस्तों, काफ़ी सारे लोगों की एक ही डिमांड रहती है कि हमारे फ़ोन में एक डेडिकेटेड वॉइस चेंजर मतलब कि साउंड इफेक्ट का फीचर चाहिए। सो इस डेस में आपको वॉइस चेंजर का भी फीचर मिल जाता है। एंड इसके बाद दोस्तों अगले फीचर्स के बारे में बात करेंगे जो कि आपको सिस्टम स्टेटस का फीचर मिल जाता है। सो फ्रेंड्स, गेम खेलते वक्त अगर आपको लाइव या पे FPS या फिर GPU CPU को ऑन करना है, मतलब उसका जो भी मीटर उसको ऑन करना है, ऑन भी कर सकते हैं ताकि गेम प्ले में कितना आपको FPS वगैरह मिल जाता है लाइव या फिर स्क्रीन पर काउंट कर सकते हैं। एंड इसके बाद अगले टॉगल मतलब कि अगले फीचर्स के बारे में बात करेंगे जो कि आपको ऑटो प्ले का भी फीचर मिल जाता है। एंड इसके बाद आपको सेपरेट वॉल्यूम कंट्रोल का भी सपोर्ट मिलता है। सो म्यूजिक हो या फिर जो भी गेमिंग हो उसको यहाँ पे कंट्रोल कर सकते हैं। एंड इसके बाद दोस्तों सबसे लास्ट में देख सकते हैं आपको यहाँ पे सेटिंग का आइकन मिल जाता है। तो सेटिंग आइकन के ऊपर आने के बाद अगर आपको यहाँ पे जो गेमिंग साइड बार है लेफ्ट साइड या फिर राइट साइड में सेट करना है तो उसको सेट कर सकते हैं। सबसे मेन फीचर आपको यहाँ पे फ्लोटिंग विंडोज का भी सपोर्ट मिलता है, मतलब कि फुल स्क्रीन मोड में अगर आप यहाँ पे बॉटम से ऊपर के साइड में स्वाइप करेंगे तो यहाँ पे गेम क्लोज नहीं होगा बल्कि पॉपअप विंडो में कन्वर्ट होगा। सो इतने सारे मेन हाइलाइटेड गेमिंग फीचर्स Realme Narzo 70 Turbo डिवाइस में देखने को मिलता है। चलिए दोस्तों, Realme Narzo 70 Turbo डिवाइस के BGMI गेमिंग ग्राफिक्स के बारे में बात करेंगे तो काफी तगड़ी सेटिंग्स आपको मिलती है, जैसे कि दोस्तों आपको स्मूथ में एक्सट्रीम प्लस मतलब कि 90 FPS का सपोर्ट मिलता है। बाकी बैलेंस HDR में आपको कॉन्स्टेंटली एक्सट्रीम का सपोर्ट मिलता है मतलब कि 60 FPS का सपोर्ट मिलता है। एंड मैक्स टू मैक्स आपको अल्ट्रा HD मतलब कि 4K स्क्रीन का भी सपोर्ट मिलता है। तो ऐसे कुछ आपको तगड़ी BGMI गेमिंग ग्राफिक्स सेटिंग्स देखने को मिलती है। तो चलिए दोस्तों, गेमिंग टेस्ट को शुरुआत करेंगे। एंड यहाँ पे जो टाइमिंग है, टेम्परेचर एंड जो भी बैटरी सब कुछ नोट डाउन करेंगे क्योंकि एक घंटे तक हम यहाँ पे नॉनस्टॉप गेमिंग करने वाले। सो यहाँ पे टाइमिंग के बारे में बात करेंगे तो ऑलमोस्ट यहाँ पे 9 बजे एंड एक घंटे तक गेमिंग करेंगे, मतलब कि 9 बजे से लेकर 10 बजे तक गेमिंग करेंगे। वैसे इनिशियल टेम्परेचर के बारे में बात करेंगे तो 27 का जो टेम्परेचर है रूम टेम्परेचर है। डिवाइस के टेम्परेचर के बारे में बात करेंगे तो फ्रंट का है 33 एंड बैक है 32 डिग्री सेल्सियस। एंड इसके बाद दोस्तों बैटरी के बारे में बात करेंगे तो बैटरी फुल्ली मैंने यहाँ पे 100% चार्ज करके रखा है। सो चलिए देखते हैं कि एक घंटे के बाद कितना डिवाइस हीट करता है, कितना बैटरी यहाँ पे ड्रेन करता है। तो सबसे पहले हम कुछ यहाँ पे TDM मैच को प्ले करेंगे। सो नॉर्मल सेटिंग है, बैलेंस मोड एंड एक्सट्रीम प्लस मतलब कि 90 FPS को इनेबल करके रखा है। एंड दोस्तों वैसे ऊपर मैंने FPS मीटर को ऑन करके रखा है। सो अगर आपको यहाँ पे लाइव गेम प्ले में FPS को चेक करना है सुपर FPS को भी चेकआउट करके देख सकते हैं। वैसे सेटिंग के बारे में बात करेंगे तो बैलेंस मोड है जो कि एज एवरेज आपको परफॉर्मेंस दे रहा है। वैसे गेम प्ले के बारे में बात करेंगे तो फर्स्ट अटेम्प्ट में यहाँ पे काफ़ी बेटर स्मूथ गेम प्ले मुझे देखने को मिला है। कई भी ज़्यादा लैग्स या फिर जो जिटर्स है वो तो अभी तक देखने को नहीं मिले हैं। एंड डिवाइस के बारे में बात करेंगे तो जो FPS है वो कॉन्स्टेंटली 88, 89 कभी कभार 69, 70 FPS यहाँ पे देखने को मिलते हैं, लेकिन यहाँ पे जो ज़्यादातर मुझे FPS देखने को मिला है 88 है, 89 FPS है। चलिए दोस्तों, इसके बाद हम इस डेस का GT मोड ऑन करेंगे जो कि एक परफॉर्मेंस मोड है। सो GT मोड ऑन करने के बाद हमारे जो FPS है उसमें थोड़े से इंप्रूवमेंट देखने को मिलते हैं, मतलब कि डिवाइस है ऑटोमेटिकली यहाँ पे ऑप्टिमाइज करता है। सो सबसे पहले इम्पॉर्टेंट चीज़ कि यहाँ पे GT मोड ऑन करने के बाद मुझे 89, 90 FPS कॉन्स्टेंटली यहाँ पे स्टेबल FPS देखने को मिले। सो GT मोड ऑन करने के बाद आपको फ़ायदा ये होता है कि आपको जो FPS है वह थोड़े से बेटर इंप्रूवमेंट देखने को मिलते हैं, स्टेबल 89, 90 FPS में गेम प्ले कर सकते हैं।
वैसे मेरे यहाँ पे दो टीडीएम मैच कंप्लीट हो चुके हैं, बट अभी तक डिवाइस यहाँ पे हीट नहीं हो चुका, क्योंकि दोस्तों फर्स्ट टाइम रियलमी की तरफ से स्टेनलेस स्टील वेपर कूलिंग सिस्टम मिलता है, जो कि क्विकली एक्शन लेता है, मतलब कि क्विकली डिवाइस को कूल डाउन करता है। चलिए दोस्तों इस रियलमी नार्जो 70 टर्बो डिवाइस के हायर ग्राफिक्स के बारे में बात करेंगे, तो अल्ट्रा एचडी एट अल्ट्रा ग्राफिक्स में काफी हाई क्वालिटी में यहाँ पे ग्राफिक्स का भी सपोर्ट मिलता है। तो चलिए मैंने अल्ट्रा एचडी को भी इनेबल करके रखा है, देखते हैं कि कैसी ग्राफिक्स की क्वालिटी मिलती है एंड कैसे एफएस देखने को मिलता है। तो यहाँ पे अल्ट्रा एचडी ग्राफिक्स में यार जो ग्राफिक्स की क्वालिटी काफी जबरदस्त देखने को मिलती है। वैसे एफएस के बारे में बात करेंगे तो कॉन्स्टेंटली यहाँ पे 30-39 के आसपास आपको हायर ग्राफिक्स में एफएस देखने को मिलती है। वैसे डिवाइस बिल्कुल भी यहाँ पे लैग नहीं करता, इवन हायर ग्राफिक्स इनेबल करके रखा है। चलिए दोस्तों इसके बाद क्लासिक मोड के बारे में बात करेंगे, मतलब कि क्लासिक गेमिंग के बारे में बात करेंगे। सो बूट कैंप टेस्ट करने के लिए आप यहाँ पे इरेंगल मैच या फिर जो नूसा मैप है उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। सो चलिए जब मारते वक्त देखेंगे कितना एफएस यहाँ पे ड्रॉप होता है। सो यहाँ पे एफएस के बारे में बात करेंगे, सो कॉन्स्टेंटली 68 है, 69 है, कभी कभार 70-71 होता है, एक टाइम पे देख सकते हैं 64 भी हो गया था। वैसे एवरेज एफएस के बारे में बात करेंगे, सो 85 से 90 एफएस आपको कॉन्स्टेंटली यहाँ पे बूट कैंप में जम मारते वक्त एफएस देखने को मिले है। सो काफ़ी बेटर रिजल्ट यहाँ पे देखने को मिला है। सो वैसे अगर आपको क्लासिक गेम या फिर इरेंगल मैच या फिर जो नूसा मैप है वो अगर गेम खेलना पसंद करते हैं तो इस डिवाइस में ये भी गेम प्ले काफ़ी बेटर रिजल्ट देता है। सो इस टाइप का आपको गेम प्ले देखने को मिलता है क्लासिक इरेंगल मैच में या फिर जो भी क्लासिक मोड है। सो बूट कैंप में जंप मारते वक्त भी आपको ऐसा रिजल्ट देखने को मिलता है। एंड सबसे मेन चीज़ कि इस ड्रेस का जायरोस्कोप कैसा है, क्योंकि काफ़ी सारे लोग मुझे बार बार कमेंट करते हैं कि जायरोस्कोप कैसा है, तो इस ड्रेस का जो जायरोस्कोप है काफ़ी एक्टिव है, काफ़ी स्टेबल है, कहीं भी डिले वगैरह देखने को नहीं मिलेगा। सो अगर आपको टीडीएम मैच खेलना है या फिर जो भी इरेंगल मैच है, नूसा मैप है, इरेंगल मैच है, सो इस नार्जो 70 टर्बो डिवाइस का जायरोस्कोप काफ़ी एक्टिव है, काफ़ी स्टेबल है, कहीं भी दिक्कत वगैरह आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो चलिए दोस्तों ऑलमोस्ट यहाँ पे एक घंटा कंप्लीट हो चुका है, क्योंकि हमने यहाँ पे 9 बजे गेमिंग को स्टार्ट किया था, सो यहाँ पे 10 बजे है। सो देखेंगे एक घंटे के बाद कितना यहाँ पे बैटरी ड्रेन हो चुका है एंड कितना डिवाइस यहाँ पे हीट हो चुका है। सो चलिए यहाँ पे रूम टेम्परेचर के बारे में बात करेंगे। सो यहाँ पे जो रूम टेम्परेचर है 28 डिग्री सेल्सियस हो चुका है। एंड डिवाइस टेम्परेचर के बारे में बात करेंगे, सो फ्रंट का है 39 डिग्री सेल्सियस एंड बैक का जो टेम्परेचर है 38 डिग्री सेल्सियस, मतलब एक घंटे के बाद नॉन स्टॉप गेमिंग करने के बाद भी डिवाइस ज़्यादा कुछ खास यहाँ पे हीट नहीं हो चुका, क्योंकि इस डिवाइस में स्टेनलेस स्टील वेपर कूलिंग सिस्टम का सपोर्ट मिलता है, जिसके वजह से डिवाइस यहाँ पे ज़्यादा हीट नहीं करेगा। एंड इसके बाद दोस्तों बैटरी ड्रेन के बारे में बात करेंगे। वैसे गेम खेलने से पहले बैटरी यहाँ पे फुल्ली 100% चार्ज था, सो यहाँ पे गेम खेलने के बाद एक घंटे के बाद भी यहाँ पे बैटरी 85% बचा है, मतलब कि एक घंटे में सिर्फ यहाँ पे 15% बैटरी ड्रेन करता है, जो कि नॉर्मली एवरेज बैटरी ड्रेनिंग है, ज़्यादा कुछ खास आपको यहाँ पे बैटरी ड्रेन का भी इशू देखने को नहीं मिलेगा। सो फ्रेंड्स अगर आपका बजट 15,000 रुपये के आसपास है एंड अगर आपको तगड़ी गेमिंग करने के लिए 90 एफएस का यहाँ पे गेमिंग डिवाइस चाहिए, तो आपको रियलमी नार्जो 70 टर्बो डिवाइस काफ़ी बेटर चॉइस रहने वाला है। वैसे आपको ये फ़ोन कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बता सकते हैं। सो फ्रेंड्स आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आ चुका होगा, तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ एंड फिर मिलेंगे कुछ ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।